दोस्तों, कपूर खानदान से एक से बढ़कर एक अभिनेता और अभिनेत्रियां निकलकर सामने आए हैं और इसी खानदान की बेटियों से शादी करके ऋषि कपूर से लेकर सैफ अली खान तक इस खानदान के दामाद बन चुके हैं और कपूर खानदान भी इनकी काफी इज्जत करता है और खूब मान सम्मान देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कपूर खानदान के दामाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता अक्षय खन्ना भी बनने वाले थे? जी हाँ, सही सुना आपने। एक समय था जब अक्षय खन्ना कपूर खानदान के दामाद बनने वाले थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि ये कपूर खानदान के दामाद नहीं बन पाए? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस टैलेंटेड अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर और टैलेंटेड अभिनेता अक्षय खन्ना ने हंगामा और दिल चाहता है जैसी सुपरहिट फिल्में की है और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब दिल जीता है और करीब 178 करोड़ की संपत्ति अपने नाम की है, जिसके चलते ये काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जीते आए हैं, जिनका मुंबई में बेहद आलीशान घर होने के साथ साथ इनके पास BMW और रेंज रोवर जैसी लग्जरियस गाड़ियां भी हैं। पर फिर भी अक्षय खन्ना का नाम उन अभिनेताओं में भी गिना जाता है जिनकी शादी करने की उम्र कब की निकल चुकी है और वो अभी भी कुंवारे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना को कभी प्यार नहीं हुआ या उनकी शादी की बात नहीं चली। एक समय ऐसा भी था जब अक्षय खन्ना और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के शादी के संजोग जुड़ गए थे। 1990 के समय में दोनों की मुलाकात एक मैगजीन की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने काफी रोमांटिक पोज दिए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को मीडिया में काफी ट्रोल भी किया गया था, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी हुई और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। और करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर भी चाहते थे कि करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना हो जाए और उधर विनोद खन्ना भी काफी खुश थे कि अक्षय खन्ना कपूर खानदान के दामाद बनने जा रहे हैं। मगर अभिनेत्री करिश्मा कपूर की माता बबीता कपूर को इस रिश्ते से ऐतराज था, क्योंकि करिश्मा कपूर इन दिनों अपने करियर की शुरुआत में थी और ऊंचाइयों की बुलंदियां छू रही थी, जिसकी वजह से बबीता कपूर नहीं चाहती थी कि उनका ध्यान कहीं और भटके, क्योंकि बबीता कपूर चाहती थी कि वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दें, जिसकी वजह से अक्षय खन्ना कपूर खानदान के दामाद बनते बनते रह गए। वहीं अक्षय खन्ना का दिल नीली आंखों वाली ऐश्वर्या राय भी चुरा ले गई थी। ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने एक साथ ताल और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में काम किया था और उसी दौरान इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों की खबरें भी मीडिया में आने लगी थी। मगर ऐश्वर्या राय की जिंदगी में सलमान खान आ चुके थे, जिसके बाद अक्षय खन्ना का दिल एक बार फिर टूट गया, जिसकी वजह से वो आज तक कुंवारे ही हैं। वेल दोस्तों, बबीता कपूर के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।